भारत हमेशा से एक धर्म प्रधान तथा अध्यात्म प्रधान देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ की समस्त कलाएं, दर्शन, चिंतन आदि इसी ओर उन्मुख रहे हैं। परिणाम स्वरूप धर्म से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। संगीत चूंकि एक कला है, अतः और संगीत और धर्म का संबंध होना स्वाभाविक है। धर्म का अर्थ विभिन्न समय व स्थान पर विभिन्न रूप में लिया जाता रहा है, इसलिए धर्म के संबंध में अनेक परिभाषाएं उपलब्ध हैं। अगर सामान्य अर्थ में हम धर्म की परिभाषा देखें तो उसके हिसाब से धर्म एक विश्वास, एक भावना और संकल्प की व्यवहारिक क्रिया है। दूसरे शब्दों में धर्म भावना, बुद्धि व क्रिया का समुच्चय है। संगीत एक कला है और कला तथा धर्म का अटूट संबंध सर्वथा मान्य है। मानव जीवन के तीन आदर्श सत्य, शिव तथा सुंदर धर्म के भी तीन स्तंभ हैं। कला इन्हीं में से सुंदर सुंदर को मूर्त रूप प्रदान करती है। यहाँ गैले का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि कला आध्यात्मिकता एवं ऐन्द्रिकता का विवाह है, अतः दोनों में संबंध होना स्वाभाविक है। कला धर्म को प्रभावशाली बनाती है। उपासना आराधना में विभिन्न कलाएं मनुष्य को सहायता प्रदान करती है। दूसरी ओर धर्म कला की रक्षा करता है, उसे परिमार्जित कर उच्चता प्रदान करता है। जब जब भारत पर दूसरी जातियों के आक्रमण हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति व कलाओं को नष्ट करना चाहा, तो धर्म ने, जिसमें धार्मिक नेता और धार्मिक स्थल होते हैं, उन्होंने प्रश्रय देकर उन्हें बचाए रखा। हवेली संगीत के रूप में मुगलों के चंगुल से बचकर काव्य व संगीत अपने उसी प्रचलित रूप ध्रुपद थमार शैली में मंदिरों में ही सुरक्षित रह पाया। इसी प्रकार जब जब कलाएं पतनोन्मुख हुई, उन पर अनैतिकता का प्रभाव पड़ा, धर्म प्रभाव के कारण ही वे अपना परिष्कृत व उज्जवल रूप बनाए रखने में समर्थ हुई। अतः कला व धर्म दोनों एक दूसरे की सहायता से पुष्ट व उन्नत होते थे। विभिन्न कलाओं की तरह संगीत भी धर्म से जुड़ा रहा। वैदिक काल से आज तक संगीत व धर्म का यह संबंध बराबर बना रहा। इस प्रकार संगीत दो रूपों में शास्त्रीय तथा लोक संगीत रहा, उसी प्रकार संगीत द्विधारा में बहता आ रहा है, अलौकिक संगीत व लौकिक संगीत। स्वयं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से लेकर मतंग, भरत, नारद आदि ऋषियों ने संगीत को अध्यात्म की सहयोगिनी बनाकर रखा। प्राचीन ऋषि मुनि अपने आराध्य देव की स्थिर व तल्लीन होकर संगीत की अलौकिक उपासना करते थे। दूसरी ओर इंद्र आदि के दरबार में गायन, वादन, नृत्य का आयोजन मनोरंजन हेतु चलता था। अप्सराओं द्वारा संगीत का प्रयोग कर ऋषियों की तपस्या भंग करने के प्रयास भी किए जाते थे। इस प्रकार के संगीत जो होते थे वो पूर्णतः लौकिक कहलाते। अब देखते हैं विभिन्न कालों में धर्म तथा संगीत। वैदिक काल में धर्म व संगीत परस्पर संबंधित थे। इंद्र, वायु, अग्नि, जल, वरुण आदि अनेक देवता थे जिनकी उपासना करने तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो साधन थे वे थे मंत्र तथा तंत्र। मंत्र संगीतमय रूप से पठित थे। इन मंत्रों के संकलन वेद है और सामवेद जो है वो पूर्णतः संगीतमय है। महाभारत तथा रामायण काल में संगीत तथा धर्म का संबंध परस्पर बना रहा। गीता के समय से भक्ति मार्ग को एक स्पष्ट व स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, यह कहा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अपने भगवान को प्राप्त करने व मोक्ष प्राप्ति का सरलतम उपाय भक्ति संकीर्तन में बताया। कृष्ण ने अनेक स्थानों पर गीता में भक्ति व कीर्तन शब्दों का प्रयोग किया। पौराणिक काल में भक्ति व कीर्तन को बहुत महत्व दिया गया। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि से श्रवणादि धातुओं के मेल का नाश होता है, उसी प्रकार भक्तिपूर्वक किया हुआ भगवत कीर्तन सभी पापों का नाश करने का उत्तम साधन है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में कीर्तन का महत्व बहुत बताया गया है। इसी समय पनप रहे बौद्ध व जैन धर्म में भी संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बौद्ध मंदिरों में गाई जाने वाली स्तुतियाँ संगीतमय थीं, जैसे गुप्तिल द्वारा इंद्र की स्तुति करना, अश्वघोष द्वारा रचित स्तुतियाँ,
पंच उदारा वीणा के साथ इंद्र की स्तुति आदि। बौद्ध धर्म की महायान शाखा पर भक्ति का अधिक प्रभाव था। बौद्ध के सिद्धांतों को गीतों की लड़ियों में पिरोकर उन्हें सुंदर ढंग से गाया जाता था। मुगल काल से पूर्व शंकर भक्ति विष्णु भक्ति की प्रबलता के कारण संगीत का घनिष्ठ संबंध धर्म से रहा। मुगलों के आक्रमण अर्थात 11वीं शताब्दी से मुगल काल में संगीत पर प्रभाव पड़ा, परंतु संगीत का धर्म और विश्वास से वे संबंध तोड़ नहीं पाए। संगीत ने नया रूप लिया, पर यह संबंध फिर भी बना रहा। विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला की रचनाओं तथा रामानंद, रैदास, भक्त नरसिंह, वल्लभाचार्य, कुंभन दास, स्वामी हरिदास, राधा वल्लभी द्वारा रासलीला का प्रारंभ विट्ठलनाथ जी, सूरदास, नंददास, मीरा आदि ने अपने संगीतमय पदों द्वारा संगीत व धर्म को इतना मजबूती से जोड़ा जो कि आज तक चला रहा है। स्पष्ट है कि संगीत का संबंध हर काल परिस्थितियों में धर्म से रहा, चाहे धर्म का कोई भी पंथ हो, संप्रदाय हो, शैव मत या वैष्णव मत हो, देवी मत हो, राधा स्वामी मत हो, कृष्ण मत हो, ईश्वरवाद हो, अनिश्वरवाद हो, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा, अत्वार समाज, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, कोई भी धर्म हो, संगीत का सब में धार्मिक महत्व है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संगीत तथा धर्म ना कभी अलग थे ना ही होंगे। ना धर्म संगीत के बिना रहा है, ना धर्म व ईश्वर के बिना संगीत रहा है। श्री शरदचंद प्रांजपे का यह कथन उपयुक्त है कि संगीत कला का उद्भव भले ही मानव की सहज भावना एवं अदम्य प्रेरणाओं का अभ्यांतर हुआ हो, उसका विकास तथा लालन पालन धर्म की गोद में हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर संगीत ने धर्म व सभ्यता को बचाया है, तो समय आने पर धर्म ने संगीत को प्रश्रय देकर बचाया है। दोनों का ही परस्पर घनिष्ठ संबंध है।